दोस्तों फिलहाल तो बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की फिल्म जवान ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा रखा है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन करके अब तक के बॉलीवुड के और साउथ के कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है और फिल्म को रिलीज हुए आज सिनेमाघरों में पांचवा दिन चल रहा है। लेकिन दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं रॉकिंग स्टार यश की फिल्म KGF चैप्टर 2 जो कि साल 2022 में 14 अप्रैल को रिलीज हुई थी, जिसने पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन किया था, ताबड़तोड़ कलेक्शन किया था, रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन किया था और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 1200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई करके इतिहास रच दिया था। लेकिन KGF चैप्टर 2 ने अपने पहले 5 दिनों में पूरे वर्ल्ड में टोटल कितनी कमाई की थी और वही साथ ही साथ बात करेंगे बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की फिल्म जवान अपने पहले 5 दिनों में पूरे वर्ल्ड के अंदर टोटल कितनी कमाई कर चुकी है। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप रॉकिंग स्टार यश को और शाहरुख खान को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे KGF चैप्टर 2 की जो कि प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी थी, जिसका बजट सिर्फ 100 करोड़ रुपए का था। फिल्म में हमें रॉकिंग स्टार यश के साथ संजय दत्त, सरनिधि शेट्टी अहम किरदार में नजर आए थे। तो वहीं फिल्म को पूरे वर्ल्ड में लगभग 12,000 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलूं कि KGF चैप्टर 2 ने अपने पहले दिन पूरे इंडिया से जो नेट कलेक्शन किया था, आपको यह भी बताता चलूं मैं कि यह फिल्म 5 भाषाओं में रिलीज हुई थी। कन्नाडा लैंग्वेज की यह मूवी थी लेकिन इस फिल्म को 5 भाषाओं में रिलीज किया गया था, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नाडा और मलयालम में। तो फिल्म ने अपने पहले दिन पूरे इंडिया से जो नेट कलेक्शन किया था सभी भाषाओं में वो किया था 116 करोड़ रुपए का। दूसरे दिन फिल्म ने कलेक्शन किया था लगभग 90 करोड़ 50 लाख रुपए का। तो तीसरे दिन सैटरडे को फिल्म ने कमाए थे लगभग 82 करोड़ रुपए पूरे इंडिया से और चौथे दिन संडे को फिल्म का जो पूरे इंडिया से टोटल नेट कलेक्शन था वो था 92 करोड़ रुपए का और पांचवे दिन मंडे को फिल्म ने कमाए थे लगभग 50 करोड़ रुपए पूरे इंडिया से, तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नाड़ा और मलयालम सभी भाषाओं में। तो फिल्म का पहले 5 दिनों का जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था इंडिया से नेट वो हो चुका था 429 करोड़ 30 लाख रुपए। तो वहीं फिल्म का जो इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन था वो हो चुका था 499 करोड़ 70 लाख रुपए। ओवरसीज से अपने पहले 5 दिनों में फिल्म KGF चैप्टर 2 ने कमाए थे 110 करोड़ रुपए। तो फिल्म का जो टोटल कलेक्शन था अपने पहले 5 दिनों का पूरे वर्ल्ड में वो था लगभग 609 करोड़ 70 लाख रुपए, यानी कि आप 610 करोड़ मान के चलिए। लेकिन दोस्तों क्या पठान फिल्म ने ये रिकॉर्ड तोड़ा है? पठान फिल्म अपने पहले 5 दिनों में कहां तक पहुंची है? तो चलिए बात करते हैं फिल्म जवान की, सॉरी पठान नहीं, जवान की बात करते हैं। तो जवान की अगर मैं बात करूं तो जवान फिल्म की मैं जितनी तारीफें करूं कम है, क्योंकि जवान फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जो कारनामा कर रही है वो काबिले तारीफ है। फैंस को इस फिल्म का बहुत ज्यादा इंतजार था और यही वजह है कि अपने पहले ही दिन से ये फिल्म धुआंधार कमाई कर रही है। एटली के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी है जिसका बजट 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है और फिल्म को पूरे वर्ल्ड में लगभग 10,000 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया है। अपने पहले दिन फिल्म ने पूरे इंडिया से जहां 74 करोड़ 50 लाख रुपए की नेट कमाई की थी तो वही फिल्म का वाइड ग्रॉस कलेक्शन अपने पहले दिन का 129 करोड़ 60 लाख रुपए का रहा था। उसके बाद दूसरे दिन फिल्म ने पूरे इंडिया से नेट कमाए थे 53 करोड़ 23 लाख रुपए। तीसरे दिन फिल्म का कलेक्शन रहा था पूरे इंडिया से 77 करोड़ 83 लाख रुपए और चौथे दिन फिल्म ने कमाए हैं अपने पहले संडे को 81 करोड़ 10 लाख रुपए। जहां दोस्तों ये ऑफिशियली रिपोर्ट मैं आपको दे रहा हूं 4 दिनों की, तो 4 दिनों में फिल्म का जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो इंडिया से 286 करोड़ रुपए नेट हो चुका है। तो वहीं फिल्म का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन 344 करोड़ रुपए हो चुका है। ओवरसीज से फिल्म ने कमा लिए है लगभग 177 करोड़ रुपए और कुल मिला के पूरे वर्ल्ड में जो ऑफिशियली कलेक्शन रहा अपने पहले 4 दिनों के वीकेंड का फिल्म जवान का वो रहा 521 करोड़ रुपए। जहां दोस्तों 521 करोड़ अपने पहले 4 दिनों में ऑफिशियली पूरे वर्ल्ड में फिल्म कर चुकी है। अब दोस्तों बात करूंगा मैं पांचवें दिन की, तो पांचवें दिन ये फिल्म पूरे वर्ल्ड से लगभग 60 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर रही है। सिर्फ 32 करोड़ रुपए ये फिल्म अपने पांचवें दिन इंडिया से नेट कमा रही है, तो वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन लगभग 60 करोड़ रुपए का रहेगा। तो फिल्म अपने पहले 5 दिनों में 580 करोड़ रुपए कर रही है। हालांकि KGF चैप्टर 2 से ये फिल्म 30 करोड़ पीछे है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या KGF चैप्टर 2 का रिकॉर्ड टूटने वाला है? क्योंकि जवान फिल्म जितनी स्पीड के साथ आगे बढ़ रही है, और वैसे यहां पे मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि कन्नड़ा लैंग्वेज का जो कलेक्शन था KGF चैप्टर 2 का
वो आपको पता है कि जवान के नाम वो नहीं है, क्योंकि कन्नाडा लैंग्वेज में ये फिल्म रिलीज ही नहीं हुई है, और कन्नाडा में बहुत ही शानदार कलेक्शन फिल्म KGF चैप्टर 2 ने किया था। तो मुझे लगता है कि फिल्म बराबर ही चल रही है, और हो सकता है कि जवान फिल्म आगे चल रही हो, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि अगर कन्नाडा को भी हम छोड़ दें तो क्या KGF चैप्टर 2 को जवान फिल्म मात दे पाएगी? कमेंट में जरूर बताइएगा।